सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा मैं रैंडम शूट कर रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा लेट था। तो आज मैं निकल पड़ी हूँ कोलैब के लिए। मेरा कोलैब था नोएडा का, बहुत टाइम से पेंडिंग में था, काफ़ी टाइम से बुलाते सलोन का कोलैबोरेशन था तो मुझे वहाँ जाना था, तो बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो मैंने सोचा आज मैं चली लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो फाइनली मैं बहुत जल्दी सुबह उठ के नहा धो के जल्दी से फटाफट से रेडी होके और निकल गई हूँ नोएडा की तरफ। तो गाइज बस अब मैं कुछ ही देर में नोएडा पहुँचने वाली हूँ क्योंकि मैं घर से निकल गई थी 10 बजे और मैं 12 बजे तक पहुँच गई थी और फाइनली मैं आ चुकी हूँ। तो गाइज यहाँ मैं वेट कर रही थी, एक फ़ैन थी मेरी, बहुत टाइम से मुझसे मिलना चाहती थी। तो मैं नोएडा आई थी तो उनको बहुत मन था कि मुझसे वो मिले, तो मैं उनका यहाँ वेट करती थी मेट्रो स्टेशन पर उनको काफ़ी लेट हो गया। तो गाइज मैं निकल पड़ी, फिर मैं आ गई थी गॉड सिटी 2 में, जहाँ पर ये सलोन था जहाँ पर मेरा कोलैबोरेट था। तो गाइज मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ उनके सलोन, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो गाइज ये है इनका सलोन, सलोन का नाम है सलून का नाम था मलिक यूनिसेक्स सलून, और ये ना कैरेटिन के एक्सपर्ट हैं। तो गाइस आप ज़रूर कराना क्योंकि मैं यहाँ स्पेशली कैरेटिन के लिए ही आई थी इतनी दूर, और मुझे कोलैबोरेशन में था कि फेशियल था और मेरा कैरेटिन था। तो इससे पूछा कि आप कॉफ़ी चाय क्या लेना पसंद करोगे, तो मैंने बोला चाय, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे चाय कितनी पसंद है। तो मैंने चाय मंगाई, स्पेशली उन्होंने मेरे लिए चाय बनवाई है, एंड थैंक यू सो मच। बहुत देर से वेट कर रही थी मेरा और मेरा सूट चल रहा था, मैं मिल नहीं पाई थी इनसे और मेरा बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तो थैंक यू सो मच मेरा वेट करने के लिए, सॉरी देखो मैंने आपको वेट कराया। वेट तुमसे मिलने के लिए यार, मैं पता है अपनी बहनों से भी ज्यादा एक्साइट, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड थी ना कि मैं उस टाइम मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे लगा भी नहीं कि मैं मिल पाऊंगी यार। मैं जल्दी जल्दी नहा ही रेडी हूँ और बोली यार मैं मिल के रहूंगी, चाहे जैसे भी मिली कहीं भी, मैं बोले घर से निकलते हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी। फिर मैंने मिल लिया फाइनली, बहुत अच्छा लगता है मतलब ऐसे कोई मिलता है तो। थैंक यू आने के लिए भी, थैंक यू। अरे नहीं यार तुम इतना टाइम दिए मुझे, अच्छा लगा बस, ऐसा मत बोलो तुम मेरी बहन जैसी हो बिल्कुल। बिल्कुल क्यों नहीं। तो गाइस यहाँ पर सबको लग गई थी भूख, तो उन्होंने हम सब के लिए वेज पुलाव मंगाए थे जो कि काफ़ी टेस्टी थे। और फिर यहाँ मेरा मेकअप शुरू हो गया था, ये रैंडम था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इसके बारे में कि मेरा मेकअप भी होने वाला है। तो मैं सिर्फ कैरेटिन और फेशियल के लिए गई थी। तो गाइस यहाँ पर चल रहा है मेरा मेकअप क्योंकि ये मेकअप आर्टिस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट थी और उन्होंने मेकअप भी काफ़ी अच्छा किया था, बहुत ज़्यादा जल्दी किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, तो उन्होंने बहुत जल्दी में बहुत अच्छा मेकअप किया था और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो इनका नाम है आयत। ओके गाइस तो आप मेरा मेकअप देखिए, इंजॉय कीजिए और जो भी रील्स होंगी वो इंस्टाग्राम पे होंगी, आप वहाँ पे देख सकते। ओके सो गाइज मेरा मेकअप डन हो चुका है, इसके बाद बस अब मैं अपने बालों को सेट करा रही हूँ क्योंकि कैरेटिन हुआ है ना, तो इसके बाद ये स्ट्रेट। ओके सो गाइज यहाँ पर ये स्ट्रेट कर रहे हैं बाल और इसके बाद आप लोग देखना मेरा। तो गाइज ये देखिए मेरा फाइनल लुक, और बालों में तो ऐसे लग रहा है जैसे कि जान आ गई है, मतलब कैरेटिन से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है और बालों को भी प्रोटीन मिलता है।
सो गाइज, इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है राजा को। थैंक यू सो मच, आपने मेरे बालों को बहुत अच्छा लुक दिया है। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझसे कॉलैब किया। एंड थैंक यू सो मच मेकअप आर्टिस्ट, आपने मुझे इतना सुंदर सा लुक दिया है। दोनों ही बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, नाइस टू मीट यू। और अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलूँगी। और टाटा बाय बाय, सी यू। ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर